नेस्लेक बायोसाइंसेस नामक पंजाब की एक कंपनी के पास हैप्पीनेस नाम का एक उत्पाद है जो मां के दूध का उपयोग में आसान और स्टोर करने वाला पाउडर बनाता है। 7 अक्टूबर 2022 को स्वास्थ्य मंत्रालय ने उत्पाद पर प्रतिबंध लगा दिया। प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के उल्लंघन के लिए लगाया गया है, जो मां के दूध और उसके उत्पादों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाता है। उत्पाद हैप्पीनेस का लाइसेंस भी निलंबित कर दिया गया। आश्चर्यजनक। FSSAI ने की गई कार्रवाई के लिए सहमति व्यक्त की और राज्य खाद्य आयुक्तों और लाइसेंसिंग अधिकारियों को एक सलाह पत्र भी भेजा। जिसमें लिखा था कि उन्हें यह निरीक्षण करना चाहिए कि क्या व्यवसाय डेयरी के लाइसेंस के तहत मां के दूध से बने उत्पादों को गलत तरीके से बेचते हैं। इसके विपरीत वे शायद मां का दूध या मां के दूध से बने उत्पाद बेच रहे हो। उन्होंने कंपनियों का कड़ाई से निरीक्षण करने के लिए सलाह दी। नेस्लेक बायोसाइंसेस के उल्लंघन का पता कैसे चला? ब्रेस्ट फीडिंग प्रमोशन नेटवर्क ऑफ इंडिया एक एनजीओ है जो ब्रेस्ट फीडिंग को बढ़ावा देता है और सपोर्ट करता है। एनजीओ ने नेस्लेक बायोसाइंसेस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। इसके बाद BPNI ने स्वास्थ्य मंत्रालय में शिकायत दर्ज कराई। स्वास्थ्य मंत्रालय ने पूछताछ की और फिर कंपनी पर सख्त कार्रवाई की गई। चौंका देने वाला। आपको बता दूं कि 1 लीटर मां के दूध की कीमत 6,000 रुपए है। वो इतना महंगा। कंपनी की वेबसाइट पर और उसके प्रतिनिधियों द्वारा डॉक्टरों को दिए गए विज्ञापन में कहा गया है कि उनका उत्पाद स्तनपान का समाधान है। कानून के तहत इस तरह के बयान देने की अनुमति नहीं है। उनके अनुसार मां के दूध का पाउडर काम पर लौटने, रात में दूध पिलाने आदि जैसी स्थितियों में समस्या का समाधान करता है। कानून के तहत इसकी अनुमति नहीं है। ब्रिटेन की एक कंपनी की एक सहायक कंपनी आयुर्वेद के नाम से स्तन के दूध से बने उत्पादों का निर्माण कर रही थी। कंपनी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया। हालांकि कंपनी कथित तौर पर अदालत गई। ये तर्क चल रहा है। स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती पवार ने कहा, मानव दूध का उपयोग व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं किया जा सकता है, याद रखें। मां के दूध का दान केवल उन बच्चों के लिए किया जाता है जिनकी मां मृत्यु या बीमारी आदि के कारण उन्हें स्तनपान कराने में असमर्थ है। स्तन के दूध को व्यावसायिक रूप से बेचने की अनुमति नहीं है, याद रखें।